पारिवारिक जीवन में रह करके साधना कैसे की जाए। पारिवारिक जीवन में अपने ढंग से सब रहते हैं, गृहस्थ भी रहते हैं, साधु भी रहते हैं, गृहस्थ तो रहते ही साधु भी रहते हैं। गृहस्थों का परिवार छोटा होता है, साधुओं का परिवार और बड़ा होता है। यहाँ गृहस्थ जितने हैं उनका सर्वेक्षण किया जाए तो किसी के परिवार में चार, किसी में छः, किसी में आठ, किसी में दस, 15-20 किसी में हो, लेकिन यहाँ तक परिवार देखो ये साधु का मठ है। यहाँ के परिवार को तो गिना भी नहीं जा सकता है, मोटा मोटी गिना जाता है। जितने लोग आते हैं नाम लिखा जाता है, लेकिन जितना नाम लिखा जाता है उतना ही परिवार है और है। परिवार एक ढंग से सब जगह है, फर्क इतना है। गृहस्थी में थोड़ा स्वार्थ का भाव ज्यादा है, अपनी पत्नी है अपनी पत्नी के लिए अधिक राग, अपने पति के लिए अधिक राग, अपने बच्चों के लिए, बच्चों का विवाह शादी भी करना है। राग होने से अधिक संपन्न बनाने की तृष्णा है, क्योंकि गृहस्थी का निर्माण ही विवाह से होता है और विवाह के मूल में ही राग है। राग है तो द्वेष तो बढ़े गए। यहाँ पर जो परिवार बनता है, समाज बनता है, उसके मूल में ही वैराग है। घर से विरक्त होके लोग आते हैं और गुरु शिष्य का संबंध होता है। गुरु शिष्य का संबंध बोध लेने देने के लिए होता है, बंधनों को काटने के लिए होता है। विवाह एक प्रकार से बंधन बनाने के लिए होता है। पत्नी पति में, पति पत्नी में मोह के बंधन बना दिए। गुरु शिष्य में बोध लेने देने के लिए होता है। शिष्य आता है हमारा बंधन कटे, गुरु बोध काटने, बंधन काटने के लिए बोध देते हैं। इसलिए गृहस्थी बनती है राग से, विरक्त समाज बनता है वैराग से। इसलिए मूल में बड़ा अंतर है। अब गृहस्थी में रहते रहते जो विवेक करने लगते हैं उनका वैराग बढ़ सकता है, और विरक्ति में रहते रहते कहीं राग करने लगे तो राग बढ़ जाएगा। किंतु मूल में बहुत अंतर है। एक राजा जब एक महात्मा को बुला करके बाग में रखे, उनकी फुलवारी में, एक भवन में रखे, धीरे धीरे राजा उनके प्रति श्रद्धा रखते थे, प्रेम रखते थे, और जरा ज़्यादा प्रेमालाप भी किया करते थे। महात्मा के लिए खूब गद्दियाँ सजा दिए, बहुत बड़ा पलंग, गद्दी, बैठने के लिए खूब गद्दियाँ, खूब एकदम सजाए बहुत। एक दिन, काफ़ी दिन बीत गया तो उन्होंने कहा, महाराज अब हम और आप बराबर हैं। महात्मा ने कहा, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, दोनों गद्दी पर बैठे, दोनों बराबर हैं। दूसरे दिन की बात है, महात्मा उठे और कहे, भाई चलो। कहे, महाराज कहाँ चले? कहे, जहाँ मैं चलता हूँ तहाँ तुम भी चलो, दोनों बराबर हैं, फर्क क्या। अब महात्मा को तो कुछ नहीं चल देने वाले थे, वो बेचारे कहाँ जाए। कहे, महाराज ये हिम्मत मेरी नहीं है। अरे कहे, लड़का भी योग्य हो गया है, दे दो गद्दी, चलो साथ में, हम तुम बराबर हैं, दोनों साथ में रहेंगे। कहे, महाराज बराबर नहीं, अब समझ में आया। तो
कुछ भगत लोग भी ऐसा सोचते हैं। फिर महाराज में हमारे में कोई ज़्यादा फर्क नहीं। प्रेम प्रकाश जी की याद आती है, जब वे पहली बार आए थे 63वें नवंबर में माँ के साथ बढ़ा रहा, वहीं दीक्षा हुई थी गुरु जी से। फिर 64 के शायद जुलाई में हो, मैं गया था, सवा महीना रहा दो साधुओं को लेकर। अंतिम दिन हमारे साथ घूम रहे थे पार्क में, तो उन्होंने कहा कि जब हम बढ़ारा गए थे माता के साथ, तो माता जी ये अनुमान करती थी आप और अपने में, वो समझती थी आप 100 में, और माता जी अपने को 90 मानती थी, बस 10 का फर्क है और क्या। लेकिन यहाँ पर जब आप आए और 1.25 महीने का संपर्क हुआ, तो वे अपने को 10 मानते हैं, आपको 100 मानते हैं। हम कहे भाई उनका मानना भी उनके विचार पर है, मैं तो क्या हूँ, 100 हूँ कि 0 हूँ कुछ ठिकाना नहीं। दूसरे को समझना भी सरल नहीं होता है। तो गृहस्थी विरक्ति का निर्माण का मूल भिन्न भिन्न, मूल में ही बड़ा फर्क। वहाँ राग से निर्माण होता है, यहाँ वैराग से। यहाँ पर साधु ब्रह्मचारी आए हैं, अभी नवोदित ब्रह्मचारी साल भर के अंदर और थोड़ा सा बाहर लेकर के 14 महीने 15 महीने के अंदर और 1 महीने के पूर्व तक नए ब्रह्मचारी 17 आए। ये सब छोड़ छोड़ करके आए। अभी का जो बिल्कुल एक नया, वो मुझे 9-12 में मिला, अभी 18 वर्ष की उम्र है, कोमल नाम है, तो साहब आपके साथ चलूँगा। मैंने कहा कहाँ घर है तो बताया, हमने कहा माता पिता से। पहले तो भी पूछा कि तुम क्यों चलोगे, आपकी बीज व्याख्या पढ़ा हूँ, समझ में बात यही आती है। हम कहे तो माता पिता, जब उसके मन की तैयारी देखी, तो मैंने कहा माता पिता आज्ञा दें तब ले चल सकता हूँ। तो असमंजस में पड़ गए होंगे, असमंजस नहीं, सीधी सी बात है। तो गए घर, 5 दिन में माता पिता को लेके आए, पिता को लेके आए। पिता सामने बैठे, मैंने कहा कहो भाई, कैसा है, ये कोमल लड़का मेरा है लेकिन ये आपका पुत्र होना चाहता है, हमें हर्ष है, 2 बच्चे हैं, ये बड़ा है और छोटा है। मैंने कहा भाई ठीक है, जब आपका ऐसा भाव है तो ठीक है। तो आया, अगर किसी गुरु के पास कोई रहता है आना चाहे तो गुरु से पूछ के आए, ये मेरी शर्त रहती। एक लड़का ऐसा भी आया, तो मैंने कहा जाओ अपने गुरु के पास पूछो। तो गए पूछे तो पीछे से आए। तो इस प्रकार 17 नवोदित ब्रह्मचारी साल भर से ऊपर से लेके 14-15 महीने से लेके 1 महीना के अंदर तक सब आए, ऐसा अपने घर से विरक्त हो के आए, और सब कम कम उम्र के हैं। इसमें कोई 25-27 का भी है, ज़्यादातर तो और कम। तो यहाँ आरंभ ही होता है वैराग से, और गृहस्थी बनती है विवाह से, राग उसमें जड़े में रहता है, इसलिए बड़ा फर्क रहता है। गृहस्थी में चारे छाल हो गए हैं, लेकिन अपने बच्चे का मोह, अपनी पत्नी का, अपने पति का, व्यक्तिगत की भावना बहुत कम छूटते, इसलिए कला का चांस ज़्यादा रहता है, उद्वेग का चांस ज़्यादा रहता है। समझदारी हो तो वहाँ भी कला शांत किया जाता है। राग से जो संबंध होता है वो भी बुरा नहीं है,
क्योंकि अगर वो विवाह न करेंगे अमर्यादित हो जाएंगे, क्योंकि संयम से तो रह नहीं पाएंगे। इसलिए वो राग करना अच्छा, लेकिन वो ज़्यादा ना करें। मन नहीं मानता है, बिना विवाह के नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए विवाह कर लें। विवाह कर लें फिर देख लें विवाह करके क्या हुआ। एक बार, दो बार, दस बार, अनेक बार देखे, समझ बात आनी चाहिए। विवाह संयम के लिए है कि असंयमित ना हो जाए। राग बढ़ाने के लिए नहीं, राग फिर घटा है, राग ही पीड़ा फोड़ा है, बिना उसके कटे कल्याण नहीं हो। आकर्षण है संसार में, वो आकर्षण झूठा है, पीछे से लगता है, तत्काल नहीं लगता। अपने मन की भंगार, मन का आकर्षण कहीं भी भौतिक पदार्थ में है, अपने मन की भंगार है, और उसका कटना अति आवश्यक है। विरक्ति मार्ग में सब स्वच्छंद है, भोजन मिलता है, वस्त्र मिलता है, कुछ दान दक्षिणा भी मिलती ही रहती है। अपने शरीर में जो लगाना हुआ, जरूरी हुई लगाए, बाकी सेवा में लगा दिए। जहाँ तक यहाँ का अनुभव है, यहाँ जितने साधु ब्रह्मचारी हैं उनको जो कुछ दान दक्षिणा भगत लोग देते हैं, बहुत लोगों को तो अपने शरीर में लगाने की जरूरतें नहीं पड़ती। जिनका शरीर पूरा निरोग है तो दवाई की जरूरतें नहीं, और अधिकतम निरोग है, अधिकतम क्या करीब करीब सभी निरोग है, तनिक तुनिक कोई आ जाए कभी। और कपड़ा मिलता ही है, भोजन मिलता ही है, तो थोड़ी मोड़ी कोई आवश्यकता हुई उसका उपयोग कर लिए, बाकी सब सेवा में लगाते रहते हैं। ये लोग संग्रह नहीं रखते अपने लिए, सब सेवा में लगाते रहते हैं। क्योंकि किसके लिए धरना है, ना तो लड़के की शादी करना है, ना लड़की की शादी करना है, अपने शरीर से कोई संबंध ही किसी का नहीं है। संबंध गुरु शिष्य का है, वो निष्काम भाव का है, गुरु शिष्य के साथ संत का है, उनसे भी निष्काम भाव का है, लेना ना देना मगर रहना। बस असावधानी किसी प्रकार की न की जाए, सावधानी चला जाए, तो विरक्त मार्ग में सरलता बहुत है साधना में, सब बोझा खत्म। ये अपना अनुभव भी मेरा है, इतने दिनों का 54 वर्ष हो रहे हैं इस मार्ग में आए, तो उसका अनुभव स्वयं भी है और आप लोग भी देख करके भी समझ सकते हैं। तो गृहस्थी विरक्ति में बहुत फर्क है, लेकिन अंततः बात यह है कि सबको साधना करना है, सबको संयत होना है, और सबका शरीर छूटना है, कोई बचने वाला नहीं। ये विरक्त लोग तो पहले कफनी पहन लिए, बाकी लोगों को भी पहनना है, अंत में कोई बचेगा नहीं। तो शरीर छूटने के पहले इसी दशा आनी चाहिए कि मन सबसे छूट जाए। कल हमें फोन मिला काठमांडू से, श्री आज्ञा साहेब 90 वर्ष की उम्र में थे, कल 4:30 बजे उनका शरीर छूट गया काठमांडू में। बहुत अच्छे संत थे, थापा परिवार के थे, उनके पिता प्रेम बहादुर थापा कप्तान थे और श्री विशाल साहेब के शिष्य थे। उनका पूरा परिवार श्री विशाल साहेब शिष्य था और राज घराने से जुड़ा था। उनके प्रेम बहादुर के 4 पुत्र थे, नेत्र बहादुर, मीन बहादुर, लीला बहादुर, दिव्य बहादुर।